हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी एक्सपेरिमेंट्स। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ये वर्ल्ड स्मॉलेस्ट वेपन कैसे बना सकते हो। तो इसे बनाना बहुत सिंपल है, बस आप वीडियो पूरा ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तो एक बार आपको शूट करके दिखा देता हूँ। तो इसे बनाने के लिए हमें एक छोटा स्प्रिंग चाहिए जो इस लाइटर में मिलेगा हमें। ये देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा स्प्रिंग है जिसे मैंने निकाल के रखा है पहले से ही। ये देखिए, बहुत छोटी साइज़ का स्प्रिंग है। इसे हमें इस तरह से एक कार्डबोर्ड पे चिपका लेना है और फिर ये एक पेपर का रोल है जिसके ऊपर मैं फेविक लगा रहा हूँ ताकि ये अच्छे से चिपक रहे, हार्ड हो जाए। और मैं इस रोल को इस स्प्रिंग के साथ चिपका दूँगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमें इस तरीके से चिपका देना है इसे अच्छी तरीके से। और यहाँ पे आप देखिए, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है कार्डबोर्ड का, उसे हमें कट करके निकाल लेना है इस तरीके से। अब हमें एक प्लास्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। ये प्लास्टिक का एक टुकड़ा है जिसे हम बेंड कर लेंगे और ये बाद में वापस सीधा ना हो जाए, इसलिए मैं इसके ऊपर एक मेटल का पीस लगा रहा हूँ। तो ये मेटल का पीस मैंने लाइटर का निकाला है, नहीं तो फिर आप एक सिंगल रॉड लेके भी ऐसा शेप बना सकते हो। हमें यहाँ पे इसे चिपका देना है अच्छी तरीके से ताकि ये बाद में निकले ना। तो मैंने अभी इसे चिपका दिया है। अब मैं एक पतले से स्ट्रॉ का यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो ईयरबड था उसके बीच का जो पाइप है वो वाला मैंने लिया है, बहुत ही छोटे साइज़ का। और इसमें हमें एक रॉड डाल देना है एल शेप के रॉड में। इसके डालने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है यहाँ पे, ये इससे भी हमें बेंड कर लेना है इस तरीके से। ये जो ट्यूब है इसे रोल होना चाहिए और इसके ऊपर हम ये प्लास्टिक का टुकड़ा चिपका देंगे ताकि ये बाद में मूव हो सके। तो सिर्फ स्ट्रॉ के साथ चिपकाना है। ये देखिए, ये मूव हो सकता है रॉड का पीस। अब इस रॉड के पीस को हम लोग इस पाइप के साथ चिपका देंगे जो हमने पहले बनाए थे जिसमें स्प्रिंग लगा हुआ है। सिर्फ रॉड को चिपकाना है, नहीं तो फिर बाद में ये हिलेगा नहीं। तो मैंने एक कार्डबोर्ड के साथ इस सिर्फ रॉड को चिपकाया है और ये जो ऊपर का जो प्लास्टिक का पीस था ये वाला मूव हो सकता है। अब मैंने इसे पेपर से बनाया है रोल करके और इसमें भी थोड़ा फेविक्रिल लगा दिया ताकि ये हार्ड हो जाए। मैं आपको बता देता हूँ इसे फिक्स कैसे करना है। हमें बस इसके अंदर डालना है और ये जो ऊपर स्टॉपर है उसे इससे रोक देना है। तो जब हम इसके दबाएंगे तो फिर ये निकलेगा। तो इसी तरीके से काम करने वाला है। अब मैं ये कार्डबोर्ड के रिंग का यूज़ कर रहा हूँ, इसे मैंने कार्डबोर्ड से बनाया है जिसके ऊपर मैं इस शूटर को चिपका दूँगा। तो इसे मैंने चिपका दिया है और ये रेडी हो चुका है काम करने के लिए। बस मैं इसे थोड़ा सा पेंट कर देता हूँ, फिर ये और भी अच्छा दिखेगा। मैंने इसे ब्लैक पेंट किया है। मैंने ब्लैक कलर में फेविकॉल मिक्स किया था ताकि बाद में ये कलर निकले ना और थोड़ा शाइन हो। तो एक बार मैं आपको वापस यूज़ करके दिखाता हूँ इसे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।